फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2024-25, उसमें बीए पार्ट सेकंड के थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनके प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था बुक चलने वाली है थर्ड सेमेस्टर में, उसका अपन बढ़िया तरीके से सिलेबस देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसके पेपर पैटर्न के बारे में बढ़िया तरीके से बताया था, बुक का नाम बताया था, राइटर बताया था, और जो फोर्थ सेमेस्टर में बुक चलने वाली है उसका भी मैंने पेपर पैटर्न बढ़िया तरीके से बता दिया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, या लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर बढ़िया तरीके से उसको देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद और आप देख रहे हैं दैर स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपके सामने दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो चार यूनिटों में बटा हुआ है, और आप अधिकतर जो भी बुक देखोगे, पेपर देखोगे आपके, वो चार यूनिटों में ही बटा हुआ होता है। प्रत्येक यूनिट इंपॉर्टेंट है, और ये सिलेबस आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन छोटा सा आपको लग रहा है लेकिन गागर में सागर बनने वाली बात है। यहाँ पर इसमें हर टॉपिक में थोड़ा ज्यादा मैटर दे रखा है, तो बढ़िया तरीके से इसको समझ लेते हैं। और फर्स्ट जो प्रत्येक यूनिट है उससे बड़े क्वेश्चन आएंगे दो, तो ये जो पूरी यूनिट देख रहे हो आप चार यूनिट, उनमें से टोटल आठ क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े, जिसमें से आपको चार करना होगा, और छोटे क्वेश्चन भी इसी में से बनाकर देता है। तो आपके सामने जो पहली यूनिट है वो दिख रही है, लोकतांत्रिक राजशाही। इसमें ब्रिटेन और जापान का आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर लोकतांत्रिक राजशाही का मतलब क्या है कि ब्रिटेन में पहले है ना जो राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, उसके बाद में वहां पर लोकतंत्र आ गया और राजा को है ना जो शक्तियां सीमित हो गई। और लोकतंत्र में आपको पता है कि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती है। तो ऐसी शासन व्यवस्थाएं जहां पर जनता का शासन चलता है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो सरकार में आकर शासन को चलाते हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से ब्रिटेन और जापान आता है। अब भारत है ना, भारत भी लोकतांत्रिक सरकारों में ही आता है, क्योंकि यहां पर वास्तविक शक्तियां किसके पास में होती है, प्रधानमंत्री के पास में होती है। फिर आप ये सोचोगे कि यहां पर भारत का संविधान क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि यहां पर विश्व के जितने भी मैन मैन संविधान हैं देशों के, वो इस बुक में पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट यूनिट है उसमें एक बात और ध्यान में रखना आप, कि जितने भी देश यहां पर दे रखे हैं, एक प्रकार से देश ही है, उनकी शासन व्यवस्था आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इन सबकी शासन व्यवस्था में आपको विकास, महत्व और विशेषताएं, ठीक है, यानी जैसे आप ब्रिटेन का संविधान पढ़ोगे तो उसका विकास पढ़ना पड़ेगा, महत्व पढ़ना पड़ेगा, उसकी विशेषता पढ़नी पड़ेगी। यदि आप जापान का संविधान पढ़ते हो तो उसके विकास पढ़ना पड़ेगा, महत्व पढ़ना पड़ेगा, विशेषता पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही जितने भी यहां पर दे रखे हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यहां पर फ्रांस हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, तो जितना भी आप पढ़ोगे उसमें से विकास, महत्व और विशेषता आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी पड़ेगी, और इससे सवाल आएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे हो तो वहां की शासन व्यवस्था आखिरकार में किस प्रकार की है। जैसे भारत में संसद चलती है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दो प्रमुख रूप से सदन माने गए हैं, ठीक है, तो वहां पर ब्रिटेन में कौन से सदन चलते हैं और उनका नाम क्या है, इस प्रकार की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है, वो सारी की सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी पड़ेंगी, ये पढ़ना पड़ेगा वहां की शासन व्यवस्था कैसी है, और भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, बुक से बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास में इसकी बुक ही है, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। जैसे आप ब्रिटेन का संविधान पढ़ोगे तो ब्रिटिश संविधान का विकास, महत्व, विशेषताएं, ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं, ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट, ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री, ब्रिटिश संसद जिसे कॉमन सभा बोला जाता है, ब्रिटिश संसद लॉर्ड सभा बोला जाता है, और विधि का शासन और न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है, ब्रिटेन की दल प्रणाली। तो इस प्रकार इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। ये तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस ब्रिटेन लिख दिया तो बहुत छोटा सा है सिलेबस, बहुत थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, तो आपको ऐसा नहीं मानना है कि छोटा सिलेबस है, इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद में आपको जापान का पढ़ना पड़ेगा, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर है ना जो दो क्वेश्चन बनेंगे बड़े, और दो दो अंकों के जो क्वेश्चन बनेंगे, और चार चार अंकों के जो क्वेश्चन बनेंगे, वो भी इन्हीं चारों यूनिटों में से बनने वाले हैं।
तो यहां पर अब आपको पता चल गया कि दो क्वेश्चन तो बड़े आएंगे, तो वो दो दो क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा कि जैसे जापान से ही, जापान के संविधान से दोनों क्वेश्चन बनाकर दे दिए बड़े जो 20-20 अंकों के आते हैं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक तो इसमें से ले लिया और एक इसमें से ले लिया क्वेश्चन, बी 10 में से वो कहां से भी उठाकर दे सकता है, लेकिन वो ज्यादा डीप में नहीं पूछता है। मेरा जितना अनुभव कहता है इसमें क्या होता है कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन 5 सालों के जितने भी हैं, आप बुक का नाम देख लेना और प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है उनको बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मैंने 5-6 साल मैंने ग्रेजुएशन की है और बाकी 2 या 3 साल बाकी और हो गए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वापस वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी 70-80% जो क्वेश्चन है वो वापस रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे छोटे क्वेश्चन वो नए बना देता है, तो बड़े क्वेश्चन तो लगभग लगभग वही रिपीट होते हैं। एक बार आप जो 5 सालों के जो पेपर हैं, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आप एक बार बढ़िया तरीके से देख लोगे तो ये बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद में दूसरा यहां पर दे रखा है अध्यक्षात्मक सरकार, ये क्या होती है, ये लोकतांत्रिक सरकार से थोड़ी विपरीत होती है। कैसे, यहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति के पास में वास्तविक शक्तियां होती हैं। जैसे आप जो अमेरिका देखते हो वहां पर ये अध्यक्षात्मक सरकारें होती है। आपने अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति का नाम सुना होगा, राष्ट्रपति का नाम सुनते हो वहां पर, क्यों, क्योंकि वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो वास्तविक शक्तियां इसमें राष्ट्रपति के हाथों में होती है, प्रधानमंत्री के हाथों में नहीं होती है, तो यह बात आप ध्यान में रखोगे। तो इस प्रकार के संविधान कौन कौन से हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जिसे यूएसए का संविधान भी कहा जाता है, इसके बाद में जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो भी इसमें आता है, तो 2 संविधान पढ़ने पड़ेंगे। इसमें भी इसका विकास किस प्रकार हुआ, महत्व और विशेषताएं ये भी पढ़नी पड़ेंगी, और इस प्रकार इसके अंदर कौन कौन शासन व्यवस्था चलती है वो पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में जो तीसरी यूनिट दे रखी है वो फ्रांस और चीन, फ्रांस और चीन का संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो चौथी यूनिट दे रखी है उसमें नेपाल और श्रीलंका का संविधान पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर भी इन सब की बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन सब की आपको महत्व पढ़ना पड़ेगा, विकास पढ़ना पड़ेगा और विशेषताएं आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी होगी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको करना क्या है, कि पहले तो है ना जो आपको 5 सालों के जो पेपर हैं वो बढ़िया तरीके से देखना है। यदि आप ये पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ पाओ तो 5 सालों के पेपर को भी आप बढ़िया तरीके से जो बुक है आपके पास में उसमें से नोट्स बना लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बुक से नोट्स बनाते हैं तो वो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, और आप यदि सीरीज से पढ़ोगे तो वहाँ पर शॉर्ट में चीज़ें दी रखी होती हैं तो उसमें कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूँगा इन पर टॉपिकों पर वीडियो बनाने की ताकि आपको चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। Thank you.